नमस्कार आदाब सताल मैं हूं कपिल का काटपाल स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ द हिंदू एंड सोर्सेज में दिस ऑफ दिसंबर 2022 विद मी 20 दिसंबर 2022 की खबरों के विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है गुड मॉर्निंग एवरी वन आप सभी एक बार फिर से मेरी करंट अफेयर्स की क्लासेस को यहाँ पर देख पा रहे हैं काफ़ी दिन से करंट अफेयर्स की क्लास नहीं हो पा रही थी लेकिन मैंने पी डी एफ्स आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दी थी केवल दो दिन की पी डी एफ्स पेंडिंग है वो भी आज आपको मिल जाएंगी बाकी पिछले दिन की करंट अफेयर्स की क्लासेज को मैं कोशिश करूँगा कि आपको डेफिनेटली मैं एक या दो पार्ट्स में उनको करवा दूँ ठीक है आ, कारण सभी को मालूम है खैर मैं यहां पर नहीं था मैं बाहर गया हुआ था तो दैट्स वे क्लासेस नहीं ले पा रहा था वहां से आ, सो चलिए आज से सिलसिला शुरू करते हैं आज से हमारा जो शेड्यूल रहेगा वो सेम उसी तरह का शेड्यूल रहेगा जो पहले रहा करता था वही सुबह साढ़े दस बजे ये क्लास उसके बाद यहां पर एक बैंकिंग अवेयरनेस की करंट की क्लास और एक बजे आपकी हाँ अकेडमी की प्लस क्लास और रात को दस बजे इसी क्लास के एमसीक्यूज जिस तरह से हम पहले करते थे एमसीक्यूज रात को दस बजे वैसे ही आज भी हम करेंगे आ, ठीक है सो तो रात को दस बजे के एमसीक्यूज क्लास में आना मत भूलिएगा इसी क्लास के एमसीक्यूज उसमें डिस्कशन होता है राइट right, मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना अगर कोई भी नया बच्चा जुड़ा है एट द रेट के कार्ट पर सर्च कीजिएगा टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा वहां पर आप जाइए इसको चैनल को ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपको मेरी सारी क्लासेस की अपडेट्स एंड पीडीएफ्स डी वहाँ पर मिल जाए चलिए पहली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं आज की जो फर्स्ट न्यूज़ आई है वो आई है आपकी तमिलनाडु से तमिलनाडु सरकार ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस की है एक ऐसी लाइब्रेरी स्कीम जिसमें आपको लाइब्रेरी में जाने की आवश्यकता नहीं है जी हाँ आपने सही कहा आप लाइब्रेरी में मत जाइए आपकी जो बुक्स हैं जो भी आपको चाहिए वो आपके घर खुद ब खुद पहुंच जाएंगे खुद ब खुद इसका मतलब ये नहीं है कि चल के पहुंच जाएंगी लेकिन यहां पर ऐसा प्रोविजन रखा गया है कि अगर आप वहां की लाइब्रेरीज में रजिस्टर्ड करवा रखा है आपने तो वहां पर एक ऐसी सर्विस आपको डोर स्टेप सर्विस मुहैया करवाई जा रही है तमिलनाडु के द्वारा ताकि आपके घर पर बुक्स को डिलीवर किया जा सके यही किया है किसने तमिलनाडु गवर्नमेंट ने राइट सो डिलीवर द बुक्स टू दीपल द स्टेट रन लाइब्रेरीज स्कीम विल इन्वॉल्व ढाई हजार लाइब्रेरीज इसमें यहां पर शामिल रहेंगी तकरीबन ढाई हजार लाइब्रेरी जो स्टेट में है आपकी जिसमें इकतीस डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीज आपकी शामिल है गवर्नमेंट ने इसके अलावा यह तो एक स्कीम यहां पर लॉन्च की गई फ्रेंड्स ऑफ की इसके अलावा तमिलनाडु सरकार ने यहां पर एक सैनिटेशन वर्कर्स के लिए भी एक कुछ इनिशिएटिव लिया है और ऐसा इनिशिएटिव लिया है जो कि हमारे देश में इस तरह का इनिशिएटिव लेने वाली ये दूसरी रा, दूसरा राज्य बना है इससे पहले यह इनिशिएटिव यहां पर ओडिशा सरकार ने लिया था और अब तमिलनाडु सरकार दूसरा ऐसा राज्य बना है जिसने यहां पर एक ऐप लॉन्च की है नाम दिया है श्वास सैनिटेशन वर्कर्स हेल्थ वेलफेयर एंड दी ओके जो सैनिटेशन का काम करते हैं यानी कि जो सफाई कर्मचारी आप कह सकते हैं उसका काम करते हैं उनके लिए यहां पर ये एक लॉन्च ताकि उनको आइडेंटिफाई किया जा सके कि, कि कितने एटलीस्ट आपके सैनिटेशन वर्कर्स हैं क्या काम कर रहे हैं कहाँ पर काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी कैसी है उनकी हेल्थ आप को मोनिटर करने के लिए ये सब चीज़ें करने के लिए एक श्वास नाम की ऐप लॉन्च की गई है और जैसा मैंने बताया ये हमारे देश का दूसरा राज्य बना है जिसने इस तरह की स्कीम को यहाँ पर इस तरह का इनिशिएटिव सैनिटेशन वर्कर्स के लिए लिया है पहला स्टेट यहाँ पर बना था ओडिशा जिसने ये काम शुरू किया था तो ये पेज में से आपकी दो खबरें एक प्रकार से आती हुई दोनों खबरों में एक बार फिर से बता दूं पहला क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा कौन सी स्कीम ने हाल ही में फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी स्कीम को इंट्रोड्यूस किया है राइट आंसर रहेगा तमिलनाडु तमिलनाडु विल बी द राइट आंसर उसका रहेगा दूसरा क्वेश्चन यहां पर श्वास का पूरा नाम पूछा जा सकता है या फिर श्वास पूछा जा सकता है किससे संबंधित है तमिलनाडु सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है सैनिटेशन वर्कर्स के लिए और इसी तरह की ऐप एक और सरकार लॉन्च कर चुकी है उस स्टेट गवर्नमेंट का नाम क्या है दवेंट इज दी काम कर चुका है और अब ये काम तमिलनाडु ने भी शुरू कर दिया है राइट ओके सो ये कुछ क्वेश्चंस इसमें से इजी वाले आपके बनेंगे नॉर्मल आपके स्टेट का नाम इसमें से पूछा जा सकता है राइट ओके चलिए अगली न्यूज पे चलते हैं मेघालय चीफ मिनिस्टर को स्टेडियम स्टेडियम वहां पर एक फुटबॉल को इंट्रोड्यूस किया है बेसिकली फुटबॉल स्टेडियम कोई नया स्टेडियम नहीं है ये फुटबॉल स्टेडियम पहले से ही था वहां पर इसको बस एक नया रूप दिया गया है और ये फुटबॉल स्टेडियम आ, का नाम है पी एस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एट दागोपगोरे इन तुरू तूरा मेघालय मेघालय में जगह है तूरा नाम की वहां पर ये स्पोर्ट वहां पर ये फुटबॉल स्टेडियम है एंड द स्टेडियम वाज ओरिजिनली कंस्ट्रक्टेड इन 2006 बाय द लेट पीएस एस सांगमा एंड द स्टेडियम वाज नेम्ड आफ्टर हिम उनके नाम से रखा गया था पूर्व मुख्यमंत्री हैं वहां के केंद्र में सरकार केंद्र मंत्री भी रह चुके कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं पी संगमा और अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद आ, स्पीकर भी रह चुके हैं लोकसभा के किसी टाइम पर अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे जैसा याद आ रहा है अप्रेडेशन ऑफ दिस स्टेडियम वॉज फंडेड बाई द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर और मेघालय गवर्मेंट सो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स और मेघालय गवर्मेंट दोनों ने इस फुटबॉल स्टेडियम को बनाने के लिए यहां पर फंडिंग आपकी दी है एग्जाम पॉइंट से जो क्वेश्चन आएगा वो बनेगा यहां पर स्टेडियम का नाम पूछा जाएगा ओके पी एस सांगमा वगैरह वगैरह कहां पर है पीएस सांगमा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मेघालय में है यह पूछा जा सकता है हाल ही में मेघालय सरकार ने पी ए सांगमा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को रेनोवेट किया अपग्रेड किया है एक फुटबॉल स्टेडियम बनाया है वहां पर यह किसके द्वारा इसकी फंडिंग दी गई है मेघालय गवर्नमेंट ने तो फंडिंग दी ही दी है वो तो नाम आ ही जाएगा क्वेश्चन में दूसरी कौन सी मंत्रालय इसमें इन्वॉल्व है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स इसमें इन्वॉल्व है यह भी आपसे पूछा जा सकता है कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स यहां पर कंफ्यूजन करने के लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ यू स्पोर्ट्स दे देगा ऑप्शन में लेकिन उत्तर सही इसका मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स रहेगा याद रखिएगा कि ट्रिकी क्वेश्चन के रूप में आ सकता है कि किसने फंडिंग दिया है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने फंडिंग दिया है ना कि मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने फंडिंग दिया है मैक्सिमम लोग मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ऑप्शन में देखकर फटाफट से मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स क्लिक करके आएंगे क्योंकि

Okay, let's move to the next news. Bengaluru International Airport received the ACI accreditation. ACI आपका एयरपोर्ट काउंसिल के द्वारा यहां पर एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा यहां पर एक सर्टिफिकेशन दिया गया है किसको दिया गया मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सर्टिफिकेट ऑफ एक्रेडिशन उनके द्वारा बहुत ही अच्छा काम किया गया कस्टमर्स के एक्सपीरियंस को और अच्छा बेहतर करने के लिए एयरपोर्ट पर कस्टमर एक्सपीरियंस को और बेहतर करने के लिए मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट को यहां पर आपका ए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा यहां पर एक सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करवाया गया सिंपल सा क्वेश्चन सिंपल सा आंसर कौन से एयरपोर्ट को हाल ही में ए के द्वारा ए सर्टिफिकेट कस्टमर सर्विसेज को बेहतर करने के लिए दिया गया है राइट आंसर मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट रहेगा बस सिंपल इजी वाला क्वेश्चन मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगली न्यूज़ अगली न्यूज़ पे आई है आपकी इंडिया ने यहां पर अनाउंस किया कैंडिडेटचर फॉर द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबरशिप 2028 एंड 2029 के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जिसमें फिलहाल इंडिया आपका प्रेसिडेंसी कर रहा है प्रेसिडेंसी करने का मतलब क्या हुआ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक ऐसा काउंसिल है जिसमें टोटल 15 मेंबर्स होते हैं जिसमें पांच मेंबर्स जो रहते हैं वो परमानेंट मेंबर रहते हैं जिनको हम वीटो पावर्स के नाम से जानते हैं कि वीटो पावर्स है उनके पास पांच ऐसे नेशंस पूरी दुनिया के जो शक्तिशाली देश हैं पांच उनके नाम आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में ये पांच नेशंस के अलावा दस नॉन परमानेंट मेंबर रहते हैं जिनकी जो मेंबरशिप है वो हर एक दो साल बाद रोटेट होती रहती है मतलब दो साल के लिए वो मेंबर बनेंगे नॉन परमानेंट मेंबर फिर दो साल कोई और बनेगा फिर दो साल कोई और बनेगा इस बार ये जो टेन्योर चल रहा है इस दौरान यहां पर इंडिया उन दस नॉन परमानेंट मेंबर में शामिल है और जब ये दस नॉन परमानेंट मेंबर बनते हैं तो ये दस मेंबर्स बारी बारी से यहां पर उसकी एक महीने के लिए प्रेसिडेंसी लेते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वो प्रेसिडेंट बनते हैं एक एक महीने के लिए बनते हैं तो फिलहाल जैसे मैंने आपको बताया कि इस टन्हन्यौर में यहां पर इंडिया इसका एक नॉन परमानेंट मेंबर है दो साल के लिए बनाया गया है और इसी दौरान इंडिया इस वक्त दूसरी बार इस दो साल के कार्यकाल में दूसरी बार यहां पर इस वक्त उसका प्रेसिडेंट यहां पर बना हुआ है इससे पहले अगस्त 2021 में इंडिया इसका प्रेसिडेंट बना था अब यहां पर दूसरी बार बना है और इसी प्रेसिडेंट कार्यकाल के दौरान यहां पर वहां पर मौजूद थे हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी और एस जयशंकर जी ने यह कहा कि हम यहां पर अपनी नॉन परमानेंट मेंबर की जो कैंडिडेटचर है उसको यहां पर प्रस्ताव रखते हैं कि हम दो हजार में फिर से यहां पर इसके नॉन परमानेंट मेंबर के लिए यहां पर अपना जो नॉमिनेशन जो है फाइल करेंगे ओके okay, सो so ये चीज यहां पर न्यूज आती हुई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के द्वारा वहां पर ये बात रखी गई है इस पीरियड के दौरान कि दो हजार में हम फिर से नॉन परमानेंट मेंबर के लिए अप्लाई करेंगे और हम अपना कैंडिडेटचर वहां पर रखेंगे

और दूसरा था इंडिया करंट प्रेसिडेंसी ऑफ़ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मौके पर एक काउंटर टेररिज्म दूसरा रिफोर्म मल्टी मल्टीलेटरलिज्म का इन दोनों इवेंट्स के ऊपर बात की प्रीवियस एट टर्म्स जब इंडिया यहां पर प्रेसिडेंट बना 1950 की 1967 72 77 84 91 2011 12 और अभी जो चल रहा है दिसंबर एक को इंडिया ने यहां पर मंथली रोटेटिंग प्रेसिडेंसी सिक्योरिटी काउंसिल की हासिल की जो दूसरी बार है पहली बार अगस्त 2021 में किया था प्रेजाइडिंग ओवर द काउंसिल ड्यूरिंग द टू ईयर टेन यूर इलेक्टेड एज द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर यह चीज मैंने आपको सारी की सारी अभी बताई है उम्मीद करता हूं न्यूज यहां पर अब आपको अपने आप से समझ में आ गई होगी करंट अफेयर्स को कभी भी रटना मत करंट अफेयर्स को समझ कर पढ़ना आप कभी भी चीजों को भूलेंगे नहीं अगर आप इस न्यूज को समझ कर पढ़ते हैं अपने दिमाग में रखते हैं तो आप इस न्यूज को कभी नहीं बोल पाएंगे आपको पता होना चाहिए यूएनएससी क्या है इंडिया यूएनएससी का क्या बना है वगैरह वगैरह एक दे, एक से एक चीजों को कनेक्ट करते चलिए आगे से आगे बढ़ते चलिए तो पिछली चीजें अपने आप याद आती रहती है ठीक है ओके चलिए आगे चलते हैं एम यू एनडीपी यूथ को लैब फॉर यंग एंटरप्रिनियर्स ओके सो यहां पर अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग एंड यू एनडीपी इंडिया ज्वाइंटली लॉन्च द फिफ्थ एडिशन ऑफ द यूथ को लैब ओके चलो एक स्टूडेंट ने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा उसका आंसर वैसे मैं खुद ब खुद करने वाला था लेकिन मैं चलते चलते अब बता ही देता हूँ एक मिनट लगेगा किसने पूछा सर सिडबी के करंट अफेयर्स को कहाँ से करें कल अगर आपने एक इंटरव्यू देखा होगा या नहीं देखा होगा तो बता दो कैमो टीवी टॉपर्स एकेडमी का ही एक चैनल है जिस पर एक कल इंटरव्यू आया है रात को साढ़े बजे आ, एक स्टूडेंट थी आप ही के बीच में थी पहले ना, अब वो बन चुकी है उसने बैंकर बन चुकी है अब उसने सिडबी ग्रेड ए का एग्जाम भी क्लियर किया था उसका इंटरव्यू कल मैंने, मैंने संडे को उसका इंटरव्यू लिया था कल वो टेलीकास्ट हो चुका है इंटरव्यू आप उस इंटरव्यू को देख लीजिएगा रिया अवस्थी नाम है उनका उन्होंने सिडबी ग्रेड ए की एग्ज़ाम भी हाल ही में क्लियर किया है आईबीपीएस पीओ भी क्लियर किया था एस बी क्लर्क भी क्लियर किया था उन्होंने उनसे स्पेसिफिकली मैंने इंटरव्यू के दौरान भी ये क्वेश्चन पूछा था और वैसे मेरी उनसे बात भी हुई थी कि आपने सिडबी ग्रेड ए में स्पेसिफिकली ईएसआई का पोर्शन आता है तो उसकी करंट अफेयर्स कहां से करी तो उनका एक ही सिंपल सा जवाब था कि सर जो मैं डेली करंट अवेयर्स आपकी करती थी उसमें जो बैंकिंग की न्यूज़ आती है या इकोनॉमिक्स की न्यूज़ आती है मैंने उसी को करके गई थी मैंने स्पेसिफिकली उसके अलावा कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा था और पढ़ा था तो उसमें से कुछ भी आया नहीं था उन्होंने कहा कि सर मैंने वगैरह टॉपिक्स बहुत सारे पढ़कर जरूर गई थी मैं लेकिन उसमें तो कुछ आया नहीं था। हम जो आपकी क्लास से कुछ तो के के उनकी बात माने तो इसको तो जो करंट अवेयर्स बस यही पढ़ते रहिए स्पेसिफिकली फोकस कीजिएगा बैंकिंग और फाइनेंशियल न्यूज पर इकोनॉमी से जुड़ी हुई न्यूज पर आपका अच्छा जाएगा एग्जाम बढ़िया जाएगा इंटरव्यू देखना है तो कल आपको इंटरव्यू ऑलरेडी टेलीकास्ट है अवेलेबल है सिड बी ग्रेड ए क्लियर किया है उन्होंने एग्जाम अभी पोस्टेड भी है वो सिड बी ग्रेड ए ही में ही पोस्टेड है रिया अवस्थी उनका नाम है अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग एंड यूएनडीपी इंडिया ज्वाइंटली लॉन्च द फिफ्थ एडिशन ऑफ द यूथ को लैब यूथ को लैब इज द लार्जेस्ट यूथ इनोवेशन मूवमेंट इन द एशिया पैसिफिक ये यूथ को लैब जो है ये बेसिकली अटल इनोवेशन मिशन और यूएनडीपी के एक पी uh, एक एक साथ मिलकर इनके द्वारा ज्वाइंटली इसका पांचवा एडिशन लॉन्च किया गया है और इसका काम क्या है इसका काम है आपका आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं सत्रह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं यूनाइटेड नेशंस के द्वारा दिए गए हैं इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सत्रह के सत्रह को 2030 तक यहां पर आपका अचीव करना है ये यह टारगेट यहां पर यूनाइटेड नेशन के द्वारा दिया गया है और सत्रह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मैं हमेशा कहता हूं अगर आप नए हैं तो बता दूं ये गूगल कीजिएगा इनको और इनको लाइन टू लाइन

इट क्रिएटेड इन 2017 और इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था इसको 2019 में जो कि एस टारगेट्स को पूरा करने के लिए काम करेगा अगली न्यूज है पानिनी कोड से पानिनी कोड ढाई हजार साल पुराना संस्कृत रिडल ये पानिनी एक शख्स का नाम है बेसिकली जो आप एक डाक टिकट के रूप में ये पिक्चर देख सकते हैं वैसे डाक टिकट है ये आ, ये एक संस्कृत स्कॉलर थे इन्होंने संस्कृत में बहुत सारी चीज़ें लिखी थी ठीक है जिसमें एक यहाँ पर अष्ट ढाई भी शामिल है अष्ट ढाई इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क्स ऑफ पानिनी ये ग्रामर थी जो कि पूरे के पूरे लैंग्वेज को डिफाइन करती है संस्कृत लैंग्वेज को डिफाइन करती है और ये काफ़ी एक तरह से जो जिन्होंने लिखा था ये सारे की सारी चीज़ें इस तरह से कुछ लिखा हुआ है यहां पर यह काफी कंफ्यूजिंग था और किसी को समझ में नहीं आ रहा कि यह कहां से पढ़ना है इसको कैसे पढ़ना है कैसे लाइंस को कनेक्ट करना है राइट right से लेफ्ट से बीच में से शब्द समझ में नहीं आते इसको एक प्रकार से इसको रिडल की तरह एक प्रकार से इसको पजल की तरह लिया जाता है तो यहां पर अब यह पर्सन आपके सामने है ये इनका नाम है ऋषि राजपोपा ऋषि राजपोपा पीएचडी कर रहे हैं ये इन्होंने कहा है कि मैंने इस पजल को इस रिडल को सॉल्व कर लिया है मैं पानिनी कोड के बारे में जानने लग गया हूं मुझे पता है क्या क्या लिखा हुआ है क्या चीजें हैं इन्होंने अपना एक रिलीज किया इन पानिनी वी ट्रस्ट डिस्कवरिंग द एल्गोरिदम फॉर रूल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इन दी अष्ट ढाई अष्टढाई में बहुत सारे रूल्स लगाए गए थे कि इस तरह से यह अष्ट को पढ़ा जा सकता है इस तरह से नहीं पढ़ा जा सकता इस तरह से सेंटेंस को आपस में कनेक्ट किया जा सकता उसी से ऊपर इन्होंने थीसिस आपने की पीएचडी स्टूडेंट है और इस थीसिस में उन्होंने कहा है दावा किया है कि मैं इस चीज को समझ चुका हूं और मैं बिल्कुल बता सकता हूं क्या क्या चीजें पानिनी कोड में आपकी है

फ्रेजेज एंड सेंटेंसेज दिस मेक्स अ मेटिकुलस प्रोसेस ओके तो जो मैंने आपको बताया वही चीज लिखी हुई है कि ये जितनी भी चीजें हैं आपस में जुड़ी हुई हैं. इनको समझ नहीं पाया है कोई अब तक लेकिन ये पर्सनैलिटी जो है ऋषि ऋषि राजपोपा इनका कहना है कि मैं इसको समझ चुका हूं और ये मैंने अपनी थीसिस में इस चीज के बारे में एक एक चीज डिफाइन कर दी है बहुत ही अच्छे से एग्जाम पढ़ने से क्वेश्चन पानिनी कौन थे ये पूछा जा सकता है संस्कृत स्कॉलर थे आपके कह सकते हो सिंपल सरल भाषा में है, ये बात कहेंगे तो और इनके द्वारा जो कार्य किया गया था जो लिखा लिखा गया था उसको यहां पर जानने के लिए पहचानने के लिए एक थी किसके द्वारा यह नाम है ऋषि राज तो दो नाम इसमें याद रख लीजिएगा काफी लंबी चौड़ी न्यूज है लेकिन यह न्यूज आपको दी गई समझने के लिए इसको याद नहीं करना है ये पूरी लाइन को रट्टे मत मारना थ्री वगैरह वगैरह कुछ नहीं है इसमें टेंशन मत लेना कि सर क्या रट्टा मारना है नहीं मारना इसका ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए जस्ट आपके बीस को क्लियर करने के लिए है, क्या है अष्ट जो याद करने वाला है वो ऋषि राजपोपा का नाम याद रखना है और दूसरा ये पाननी जी कौन थे भाई साहब इनका बारे में आपको पता होना चाहिए एज द फादर ऑफ लिंग्विस्टिक वगैरह वगैरह इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है राइट ओके चलिए आगे चलते हैं आर्सलर मित्तल निपोन स्टील इंडिया एंड एनएसडीसी ने साइन किया एक एमओयू। सो so, यहां पर एमओयू एक एग्रीमेंट साइन किया गया है किसके बीच में आर्सलर मित्तल निपोन स्टील और दूसरा कौन है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बीच में ताकि लोगों को जो है स्किल ट्रेनिंग डिजिटल स्किल ट्रेनिंग दी जा सके अलग अलग फील्ड्स में उनको यहां पर आपका काम सिखाया जा सके और ताकि वो आगे अपने लेवल पर अपने पैरों पर खड़े हो सके डाटा एंट्री का काम सिखा दो किसी को आईटी हेल्प डेस्क का काम सिखा दो तो ऐसे छोटे मोटे काम सिखाकर ताकि वो छोटी मोटी जो भी जॉब करना चाहते हैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं वो कर सकें तो इसके लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ने आर्सलर निपोल स्टील इंडिया कंपनी के साथ यहां पर टाई अप किया है और एक साथ मिलकर ये काम करेंगे उनको ट्रेनिंग देंगे और ये दूसरी बार ऐसा कुछ यहां पर ट्रेनिंग दी जाएगी इनके द्वारा आर्सल मित्र निपोन स्टील ने पहले भी एनएसडीसी के साथ एक टाइप किया था और अब यह दूसरा टाइप इन दोनों के बीच में यहां पर हो रहा है ठीक है सो so, दूसरा टाइप है यहां पर आर्सल मित्र निपोन स्टील का यहां पर किसके साथ एनएसडीसी के साथ एन एच आई डी सी एल ने साइन किया एमओयूटी पिछले दिनों में नेशनल सारे एमओयू साइन पर पर किया गया है और ये एग्रीमेंट साइन किया गया है एनआईटी नाग मणिपुर के साथ एन मणिपुर के साथ भी एग्रीमेंट साइन किया गया अब ये इनके साथ एग्रीमेंट जो साइन किए जा रहे हैं किस परपज से किए जा रहे हैं ऑब्वियस है, है। यहां पर

एम नाम की कंपनी है टीएमएल स्मार्ट सिटी जो कि टाटा मोटर्स की कंपनी है टाटा मोटर्स की कंपनी है टीएमएल इनके द्वारा यहां पर 921 बसेस को सप्लाई किया जाएगा बेंगलुरु के जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ट्रांसपोर्टेशन विभाग है उसको यहां पर दिया जाएगा वहां पर यहां पर ये बसेस जो है इलेक्ट्रिक बसेस जो है बेंगलुरु में आपको चलती हुई नजर आएंगी ठीक है सो टी स्मार्ट सिटी मोबिलिटी सोल्यूशन साइन किया एग्रीमेंट बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के साथ बी के साथ पावर ने यहां पर एग्रीमेंट साइन किया है किसके साथ माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ और यह माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ टाई अप किया है, है डेढ़ सौ मेगा वोट की ग्रीन एनर्जी जो है, आ, जो है यानी यानी कि कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी ग्रीन से आप कह सकते हो सोलर से विंड से यहां पर वो यहां पर एक एग्रीमेंट साइन किया है और इसके लिए एक सोलर साइट बनाई है बीकानेर राजस्थान में बीकानेर राजस्थान में यहां पर एक बनाई है रिन्यू पावर ने एक एग्रीमेंट साइन किया माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ डेढ़ मेगावाट ऑफ जी दिस वेंचरिस्ट माइक्रोसॉफ्ट इन अचीविंग इट गोल ऑफ स्विचिंग टू हंड्रेड परसेंट रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई बाय दो हजार पच्चीस एंड टर्निंग कार्बन नेगेटिव बाय दो हजार तीस ओके सो टारगेट पूरा करेगा दो हजार तीस तक इन्होंने कार्बन न्यूट्रल होना है कार्बन नेगेटिव होना है बेसिकली और 2025 तक इनको 100% अपनी जो एनर्जी है वो रिन्यूअल रिसोर्सेज से यहां पर बनानी है तो इसके लिए यहां पर इस चीज को कंट्रीब्यूट करने के लिए यहां पर रिन्यू पावर ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक एग्रीमेंट किया है एक साथ मिलकर यहां पर बीकानेर राजस्थान में सोलर साइट एक लगा रहे हैं और जिसके तहत डेढ़ सौ की पावर सप्लाई जो है वो प्रोड्यूस की जाएगी डेढ़ सौ मेगावॉट की पावर सप्लाई बीकाने राजस्थान सोलर साइट माइक्रोसॉफ्ट और रिन्यू पावर के बीच में एक एग्रीमेंट राइट चलिए आगे चलते हैं सूर्य किरण किरणीन हाँ, ओके सूर्य किरण सिक्सटीन नाम की एक एक्सरसाइज इंडिया और नेपाल के जवानों के बीच में आर्मी के बीच में यहां पर आयोजित की गई नेपाल का ही एक जगह है जो कि है आपकी नेपाल के आर्मी बैटल स्कूल इन नेपाल सलजहंदी सलजहंदी नाम की जगह है वहां पर यह आयोजन किया गया है सूर्य किरण सोलह वहाँ एडिशन है सिक्सटीन एडिशन ऑफ द सूर्य किरण इंडिया नेपाल के आर्मी के बीच में एक्सरसाइज है इंडिया की तरफ से गोरखा रेजिमेंट जो है वो इसमें यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही है इंडिया तरफ से गोरखा बटालियन जो है फ्रॉम द दलाइट गोरखा रेजिमेंट इज रिप्रेजेंटिंग द इंडियन आर्मी इन दिस एक्सरसाइज सूर्य किरण यहाँ पर दोनों देशों की आर्मी के बीच में इंडिया नेपाल के बीच में एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है एवरी ईयर लोकेशन इंपॉर्टेंट है इंडिया की तरफ से जो जवान जाएंगे गोरखा बटालियन ये याद रखने वाला है इसमें ओके, ओके, चलो आगे चलते हैं इंडिया रैंक थर्ड ग्लोबली इन पब्लिकेशन ऑफ साइंटिफिक पेपर्स साइंटिफिक पेपर्स जिस तरह से अभी कुछ देर पहले हमने एक न्यूज पढ़ी थी पानीनी कोड के बारे में ठीक है वो एक पर्टिकुलर किसी लैंग्वेज से संबंधित उन्होंने पीएचडी की थी तो उनके बारे में उन्होंने वो पूरा पूरा इंटरप्रिटेशन दिया इसी तरह से बहुत सारे पीएचडी पीएचडी स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अलग अलग फील्ड में यहां पर इस तरह से रिसर्च वर्क करते हैं और उसी तरह से वो साइंस साइंस के फील्ड में टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी रिसर्च वर्क कंडक्ट करते हैं तो ये जो रिसर्च वर्क कंडक्ट की जाता है उसके लिए यहां पर वो रिसर्च पेपर्स पब्लिश करते हैं कि उनका रिसर्च वर्क जो किया है उसको उन्होंने पब्लिक के पब्लिसाइज किया जिस तरह से अभी यहां पर हमने देखा था संस्कृत लैंग्वेज से संबंधित उन्होंने रिसर्च पेपर पब्लिश किया तो रिसर्च पेपर पब्लिशकेशन के, के संबंध में और पर्टिकुलरली यहां पर साइंटिफिक पेपर यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड से संबंधित इस तरह के पेपर जो हैं वो सबसे ज़्यादा जो पब्लिश किए गए हैं उस पर्टिकुलर रैंकिंग में इंडिया का तीसरा स्थान देखने को मिला है इंडिया का तीसरा स्थान देखने को मिला है इसमें सबसे ज्यादा रिपोर्ट okay, so दी गई है अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन के द्वारा ओके इंडिया ऑल्सो रैंक थर्ड ग्लोबली इन दी नंबर ऑफ पी प्रोड्यूस जो पीएचडी करते हैं पब्लिकेशन में भी तीसरे स्थान पर है साइंटिफिक पब्लिकेशंस में और ओवरऑल अगर मैं पीएचडी डिग्रीज की बात करूं तो उसमें भी इंडिया तीसरे स्थान पर है सबसे ज्यादा पीएचडी तीसरे नंबर पर है इंडिया स्कॉलरली आउटपुट इंक्रीज फ्रॉम सिक्स जीरो ट्रिपल फाइव पेपर्स इन टू थाउजेंड टेन टू वन फोर नाइन टू वन थ्री पेपर इन ट्वेंटी ट्वेंटी तो दो हजार दस की बात करूं तो तकरीबन साठ हजार साठ हजार यहां पर पब्लिकेशन किए गए थे पेपर्स को और यही संख्या 2020 में एक लाख उनचास हजार वन लाख फोर्टी नाइन थाउजेंड हो गई नंबर वन पे आपका चाइना है चाइना में सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ साइंटिफिक पेपर जो पब्लिश किए गए और दूसरे स्थान पर अमेरिका है यूएसए है और तीसरे स्थान पर यहां पर इंडिया आता हुआ इंडिया पिछली बार स्थान सातवां था इस बार इंडिया का तीसरा स्थान यहां पर देखने को मिला है ठीक है ओके सोमिन का तो न्यूज समझ में आ गई होगी इंडिया रैंक थर्ड ग्लोबली इन द पब्लिकेशन ऑफ द साइंटिफिक पेपर्स अगली खबर में एक रिपोर्ट आई है और यह रिपोर्ट आई है कोल से संबंधित इंटरनेशनल एनर्जी एनर्जी एजेंसी ने अपनी एक एनुअल रिपोर्ट दी है टाइटल है कोल 2022 एनालिसिस एंड फोरकास्ट टू 2025 सो एनालिसिस एंड फोरकास्ट टू 2025 ये एक रिपोर्ट यहां पर देखने को मिली है कोल 2022 एनालिसिस एंड फोरकास्ट टू ट्वेंटी ये यहां पर फोरकास्ट के तहत ये जो रिपोर्ट आई है इसमें ये कहा गया है कि जो चाइना और इंडिया है ये दुनिया के सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी हैं और लार्जेस्ट इंपोर्टर भी हैं यहां पर इस रिपोर्ट में ये चीज देखने को मिली है वर्ल्ड टू लार्जेस्ट कोल प्रंज्यूमर्स सॉरी मैंने शायद प्रोड्यूसर बोल दिया कंज्यूमर बोलना था दुनिया के दो सबसे लार्जेस्ट कोल कंज्यूमर जो है वो इंडिया और चाइना है और दुनिया का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड टॉप टू कॉल चंप अच्छा प्रोड्यूसर भी हम कंज्यूमर सब कुछ ही है ठीक है सो वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंज्यूमर इंपोर्टर सभी सभी चाइना और इंडिया है और यह कहा गया है 2025 तक इंडिया के जो कोल प्रोडक्शन है वो एक बिलियन टन को एक्सीड कर जाएगी एक बिलियन टन यहां पर एक्सीड हो जाएगी ये प्रोडक्शन और इस रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल लेवल पे जो कोल कंजम्पशन है वो यहां पर एक प्रतिशत से इंक्रीज होगी जो कि आठ बिलियन मेट्रिक टन हो जाएगी फॉर द फर्स्ट टाइम बीटिंग द माइल सेट इन टू 2013 में एक माइलस्टोन सेट किया गया था कि हां कब तक ये 8 मिलियन मेट्रिक टन को क्रॉस करेगा तो 2000 इसी साल यहां पर 2022 में ये क्रॉस करने वाला है एंड इंडिया इज प्रेडिक्टिंग टू एक्सपीरियंस द बिगेस्ट इंक्रीज इन कोल डिमांड एट 7% परसेंट फॉलोड बाय यूरोपियन यूनियन एट 6% परसेंट चाइना एट पॉइंट ठीक है तो सिंपल सी न्यूज है इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी रिपोर्ट नहीं है सिंगल एक पेज पे ही है इसमें याद करने वाली बस यही चीज़ है कि किसके द्वारा ये रिपोर्ट दी गई है कोल 2022 एनालिसिस एंड फोरकास्ट ट्वेंटी ट्वेंटी किसके द्वारा रिपोर्ट दी गई है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा रिपोर्ट दी गई है पहली चीज़ तो ये याद रखनी है अगली चीज कौन है दुनिया का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंज्यूमर एंड द इम्पोर्टर चाइना है और उसके बाद इंडिया है आपका और यहाँ पर आपका 2025 का क्या प्रोडक्शन है यह है कि इंडिया एक बिलियन टन की जो कोल की प्रोडक्शन है उस लेवल को यहां पर बढ़ा लेवल को यहां पर आपका टच कर लेगा 2025 तक यहां पर एक बिलियन टन की यहां पर कैपेसिटी को राइट right. आगे चलते हैं आ, कल एक खबर आती हुई यहां पर आप सबने काफी हो सकता है सुन ली होगी क्योंकि ऐसी खबरें अमूमन ना चाहते हुए हम पढ़ लेते हैं नॉर्मली हम दूसरी खबरें नहीं पढ़ते लेकिन ऐसी खबरों पर ज़रूर हमारी नजर जाती है जैसी कोई नोटिफिकेशन आता है तो क्लिक अपने आप ही हो जाता है अगर मैं वहां पर कहूं कि इंडिया ने इस इस कंट्री के साथ एग्रीमेंट किया अगर ये नोटिफिकेशन मैं आपको भेजू है ना कोई भी आपको चैनल भेजता है अगर ये नोटिफिकेशन कि इंडिया ने, ने इस फलह फलां कंट्री के साथ ये एग्रीमेंट किया या फिर ये रिपोर्ट आई है तो ऐसी नोटिफिकेशन पर क्लिक हो नहीं होता है वहाँ से लेकिन जब ऐसी खबर आती है जो कि आपके पीछे मेरे लिखी हुई ऐसी नोटिफिकेशन पे हमारा क्लिक होना वाजिब है और एज ह्यूमन नेचर हम करते हैं चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो डेफिनेटली हम क्लिक करते ही करते हैं ठीक है और ये खबर आपको सबको पता हो चुकी होगी अब तक लग चुकी होगी इंडिया ने 21 साल बाद 21 साल बाद जी हाँ 21 साल बाद इंडिया ने यहाँ पर खिताब जीता है मिसेस वर्ल्ड का और ये नाम है सरगम कौशल सरगम कौशल मुंबई की रहने वाली हैं बेसिकली जम्मू कश्मीर की बोन है और विजाग में विशाखापट्टनम में इन्होंने एज अ टीचर भी काम किया और इनके पति जो है वो नेवी में हैं और इन्होंने फिलहाल एक इवेंट में पार्टिसिपेट किया था मिसेस वर्ल्ड 2022 के और इन्होंने यहाँ पर इस टाइटल को इंडिया के लिए जीत लिया है आ, राइट ओके इससे पहले 21 साल पुरानी अगर मैं बात करूँ तो उसमें यहाँ पर अदिति गोवित्रिकर जो थी उन्होंने इंडिया के लिए खिताब खिताब जीता जीता था और 21 साल के बाद यह गया है सो so, सरगम कौशल नाम याद रख लीजिएगा 63 नेशंस थे अदर नेशंस थे लास वेगस में इवेंट आपका ऑर्गेनाइज किया गया था जम्मू कश्मीर में बॉर्न है आपकी विजाग में एज अ टीचर काम करती थी हर हस्बैंड वर्क फॉर इंडियन नेवी मुंबई की रहने वाली हैं फिलहाल आपकी एंड पिछले साल की जो विनर थी वो थी शहलीन फोर्ड शहलीन फोर्ड थी पिछले साल जिन्होंने इस इवेंट को यहां पर आपका जीता था द फर्स्ट मिसिज वर्ल्ड मैरिड वीमेंस ब्यूटी प्रेजेंट लॉन्च इन 1984। ओके okay, 1984 में इवेंट सबसे पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया था लड़कियां क्यों क्लिक करती हैं लड़कियां क्लिक करती हैं क्यों देखना चाहती है लड़के क्यों क्लिक कर रहे हैं ठीक है ऐसा क्या बात है कि लड़के क्लिक कर रहे हैं इसलिए लड़कियां क्लिक करती दिया सरगम कौशल विंस मिसेस वर्ल्ड 2022 टाइटल नाम याद रख लेना अपकमिंग uh, एग्जाम में आपके लिए ये क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है मार्किट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फाइव स्टार क्वेश्चन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट दिस क्वेश्चन इन योर अपकमिंग एग्जाम अब इसमें से क्या आएगा आई कांट प्रिडिक्ट है ना लेकिन इस पूरी पूरी न्यूज में से पहले शब्द से लेकर आखिरी शब्द तक तो कोई भी एक क्वेश्चन बन सकता है और आएगा वो क्वेश्चन गतिशक्ति यूनिवर्सिटी वडोदरा की आपको याद होगा पहले भी हम इस न्यूज को इस बारे में बात कर चुके हैं गतिशक्ति यूनिवर्सिटी की जब इसकी अनाउंसमेंट की गई थी कि यहां पर वडोदरा में एक इंस्टीट्यूशन है नाम है उसका नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट ठीक है वडोदरा में है इसको यहां पर चेंज किया गया विश्वविद्यालय में और उसको नाम दिया गया गतिशक्ति यूनिवर्सिटी ठीक है वडोदरा में गतिशक्ति प्रोग्राम एक ऐसा इनिशिएटिव है हमारे देश की सरकार का जिसमें उनका कहना है कि हमारे देश की जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसको और बेहतर किया जाना चाहिए क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टेशन बेहतर होगा तो एक जगह से दूसरी जगह जो सामान है वो बहुत ही बहुत ही ईजिली कम्यूट कर पाएंगे और काफी ज्यादा जो कॉस्ट है तो बहुत सारी चीजों की कोस्टिंग इसी वजह से आती है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है लॉजिस्टिक कोस्ट जिसको कहते हैं हम वो बहुत ज्यादा होती है उस वजह से चीजों के दाम भी आपके इंक्रीज होते हैं और यहां पर फिलहाल उसी को ध्यान में रखते हो गतिशक्ति प्रोग्राम के तहत पूरे इंडिया को इस तरह से कनेक्ट करना हाईवे रेलवे एयरलाइन वगैरह वगैरह से ताकि यहाँ पर कनेक्टिविटी जो है बहुत ही बेहतर हो सके और उसी चीज को यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए वडोदरा की जो नेशनल रेल इंस्टीट्यूशन है इसको बदलकर यहां पर नाम दे दिया गया था गतिशक्ति यूनिवर्सिटी और उसी गतिशक्ति यूनिवर्सिटी के चांसलर यानी कि जो सबसे ऊपर ऊंचा उदा रखते हैं यूनिवर्सिटी के चांसलर को बनाया गया है अश्विनी वैष्णव जी जो कि हमारे देश के रेलवे मंत्रालय भी उनके पास है यूनियन मिनिस्टर रेलवे के अश्विनी वैष्णव उनको चांसलर और जो वाइस चांसलर हैं जो कि यहां पर देख रेख करेंगे उसकी पूरी के पूरी आ, वहां की यूनिवर्सिटी की वो नाम है उनका डॉक्टर मनोज चौधरी डॉक्टर मनोज चौधरी को वाइस चांसलर बनाया गया है और आपका अश्विनी वैष्णव जी को इसका चांसलर बनाया गया है ठीक है ओके

उनको लिए यहाँ पर यह ऑर्गेनाइजेशन उनके अगेंस्ट यहाँ पर यह ऑर्गेनाइजेशन काम करती है और इस बार उन्होंने एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा को उनका एक चेहरा चुना है पर्सन ऑफ द ईयर चुना है ताकि लोगों में ये अवेयरनेस क्रिएट की जा सके जॉन इब्राहिम एंड फातिमा सन्हा शेख जो है पेटा के इंडिया मोस्ट ब्यूटिफुल वेजिटेरियंस हैं दो के ठीक है ये भी यहाँ पर जॉन इब्राहिम और दूसरी पर्सनैलिटी हैं आपकी फातिमा जी इन दोनों को यहां पर आपका ऑलरेडी ये डिक्लेयर किया चुका और इस बार जो न्यूज में आई है चर्चा में आए हैं वो सोनाक्षी सिन्हा चर्चा में आई हैं ये पेटा के द्वारा इस बार डिक्लेयर की गई है उनके पर्सन ऑफ द ईयर सेलिब्रिटी ऑफ द ईयर इंडिया की तरफ से अगली खबर आई है नासा ने यहां पर लॉन्च किया है इंटरनेशनल मिशन वोट टू सर्वे अर्थ स्वटर हमारी धरती पर कितना पानी है कहां कहां पर पानी है ओशियंस कहां पर हैं कौन कौन से वाटर बॉडीज हैं इन सब चीजों को यहां पर एनालाइज करना इन सब चीजों के यहां पर डिटेल में जाना इन सब चीजों के डेप्थ में जाने के लिए यहां पर नासा के द्वारा नासा के द्वारा और फ्रांस की जो स्पेस एजेंसी है सी एन ई एस उनके साथ मिलकर और साथ साथ यूके और कनाडा की स्पेस एजेंसी भी यहां पर एक साथ मिलकर एक सर्वे यहां पर कंडक्ट करने जा रहे हैं नाम रखा गया उसको सर्वे का स्वॉट स्वॉट टू सर्वे दर्थ वॉटर तो यहां पर नासा एंड फ्रेंच स्पेस एजेंसी सेंट्रल नेशनल एटीट्यूड्स डी एटीट्यूड्स स्पेक्टील्स फ्रेंच नाम है सिरल भाषा में बात करू सी एन ई एस सर्फेस वॉटर एंड ओशियन टोपोग्राफी की यहां पर ट्रैक करने के लिए जितने भी सर्फेस वाटर वाटर्स हैं यहां पर वाटर बॉडीज हैं इंडिया में उनको और इसको यहां पर सर्वे को लॉन्च किया गया है आपका स्वॉट के नाम से स्वॉट का पूरा नाम है सर्फेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी सर्फेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी ये किया गया है एक लॉन्चिंग स्पेस एक्स रॉकेट फ्रॉम स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स फॉर ई एट कैलिफोर्नियाज डेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस ओके सो यहां से इसकी लॉन्चिंग की गई है जैसा मैंने आपको बताया यूके और कनाडा भी इसमें शामिल है आपका दुनिया का पहला एवर ग्लोबल सर्वे अर्थ सरफेस वाटर का यहां पर करना ये इसके पीछे यहां पर एक आ, आ, क्या कहेंगे कारण है ठीक है तो यहां पर एग्जाम पॉइंट से क्या है किसने ऑर्गेनाइज किया इसको नासा ने किसके साथ मिलकर सी एन ई एस के साथ मिलकर अलॉन्ग विद पार्टनरशिप विद द यूके एंड कनाडा की स्पेस एजेंसीज भी इसमें शामिल है ठीक है ओशियन से संबंधित स्वॉट का पूरा नाम याद रख लीजिएगा सोट क्या है स्वॉट है आपका सरफेस वाटर एंड ओशन टॉपोग्राफी ये सोट का पूरा नाम है ये भी आपको याद रखना है अगली खबर पे चलते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी नेम क्लाउडाइन गे एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट सो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने क्लाउडाइन गे को यहां पर आपका Uh, बनाया है उनका नया प्रेसिडेंट फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन बनी है जो कि यहां पर इस यूनिवर्सिटी की यहां पर प्रेसिडेंट चुनी गई है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने पहली ब्लैक प्रेसिडेंट यहां पर ब्लैक से मतलब है इनके और इनके ओरिजन से जहां से आती है अफ्रीकन अमेरिकन है यहां पर गे इज द सेकेंड व्यूमेन और महिलाओं में भी पह, दूसरी महिला है जिन्होंने इस स्कूल को यहां पर इस यूनिवर्सिटी को यहां पर हेड करेंगी आपकी ओके okay. और पहली ब्लैक प्रेसिडेंट बनी है नाम याद रख लेना क्लाउडाइन गे इनका नाम है लियो वर्डेकर नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं आयरलैंड के आयरलैंड में यहां पर आपके ये प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं दूसरी बार ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगे बेसिकली आयरलैंड में जो सरकार बनी थी वो मिली जुली सरकार थी तीन पार्टीज़ ने मिलकर ये सरकार बनाई थी जिसमें इस सरकार ने जब बनाई गई थी तो ये डिसाइड किया गया था कि पहले कुछ साल एक दूसरी पर्सनैलिटी है वो यहाँ पर इस आयरलैंड को यहाँ पर हेड करेंगे और उसके बाद फिर आएंगे 2022 में लियो वर्डेकर और 2022 में जो पिछली प्राइम मिनिस्टर उनका कार्यकाल खत्म हुआ और इनको एक बार चुन लिया गया है लियो वर्डेकर एग्रीमेंट हुआ था रीज द थ्री पार्टीज इन सेटिंग अप अ अपन गवर्नमेंट गठबंधन फियाना फेल पार्टी लीडर माइकल मार्टिन सबसे पहले यहाँ पर आयरिश प्राइम मिनिस्टर रहेंगे दिसंबर 2022 तक और फाइन गेल पार्टी लीडर वडाकर जो है उनको रिप्लेस करेंगे नए प्राइम मिनिस्टर के फॉर्म में अगले पांच सालों के लिए वडाकर जो थे डब्लिन में बोर्न हुए थे उनके माता जो थी वो यहां पर वहीं पर ही काम करती थी आयरलैंड में और उनके पिताजी जो थे वो यहां पर एक इंडियन इम, इमिग्रेंट थे यहां पर वहां पर गए थे काम के तलाश में डॉक्टर थे वहां पर ये और ये जून 2017 में पहली प्राइम मिनिस्टर बने थे अब ये दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर आयरलैंड के बनने जा रहे हैं ओके नाम याद रख लियो इंडिया हॉकी टीम विंस वीमेन्स कप इंडिया वीमेन हॉकी टीम ने कैप्टन है सविता पुनिया हराया इन्होंने स्पेन को वन जीरो से हराया और स्पेन में ही ये इवेंट हो रहा था और उसमें यहां पर इंडिया ने गुरजीत कौर के गोल के साथ इस इवेंट को यहां पर इस फाइनल को यहां पर जीत लिया सो एफ आई एच की टूर्नामेंट जो है नेशंस कप का कहां पर हो रहा था स्पेन में हो रहा था इंडिया ने किसको हराया स्पेन को हराया एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल अवार्ड्स 2022 यहां पर अवार्ड्स दिए गए पाला अल्पितोर तुरंत इटली में यह जगह है इटली में जहां पर एक अवार्ड सेरेमनी आयोजित की गई टेनिस प्रोफेशनल्स टेनिस से जुड़ी हुई यहां पर एक अवार्ड सेरेमनी थी एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स के द्वारा यहां पर एक कुछ अवार्ड्स दिए गए और अवार्ड्स काफी ज्यादा है ठीक है डर मत जाइए अवार्ड्स को देखकर आप क्या कर सकते याद तो करने पड़ेंगे अगर करना चाहते हो तो कर लीजिएगा नहीं करना चाहते हो, तो छोड़ दीजिएगा बाकी फर्क आपके ऊपर ही पड़ेगा है ना एटलीस्ट ये वाला याद रख लेना ये याद रख लेना कोच ऑफ द ईयर याद रख लेना ठीक है ये तीन तो याद रख ही लेना अगर नहीं करना चाहते इस पूरे पूरे चार्ट को तो ये तीन नाम जरूर याद रख लेना ठीक है और एक ये वाला ठीक है ये चार ये चार तो फेवरेट है है ना एग्जामिनर के और बाकी याद तो करने हैं ठीक है और जिसको लगता है कि नहीं करना तो ये चार याद रख लेना बस नीरज चोपड़ा बिकम्स द मोस्ट रिटर्न अबाउट एथलीट इन 2022 किसी टाइम पर यहाँ पर उससेन बोल्ट जो थे उनका नाम यहाँ पर हमेशा चर्चा में रहता था जब देखो उनका नाम आता था उनके नाम से आर्टिकल्स आते थे लेकिन उसन बोल्ट की रिटायरमेंट के बाद उनके थोड़ी सी पॉपुलैरिटी जो है वो कम होती गई और अब यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह कहा गया है कि सबसे ज़्यादा आर्टिकल्स जिनके नाम से लिखे गए हैं पिछले साल में और वो हैं आपके इंडिया के जैवलिन थ्रोवर जिन्होंने टोक्यो में गोल्ड मेडल भी जीता था हमारे देश के लिए नीरज चोपड़ा ठीक है नीरज चोपड़ा के नाम से सबसे ज्यादा आर्टिकल्स यहां पर पब्लिश हुए हैं पिछले दिनों में और ये सबसे ज्यादा रिटर्न अबाउट एथलीट बने हैं 2022 के नीरज चोपड़ा 812 आर्टिकल्स उनके ऊपर जमेका की एक रनर है यहां पर आपकी उसके बाद शैले एन फ्रेजर पेरिस के ऊपर 698 आर्टिकल्स और शेरिका जंक्शन के ऊपर 679 आर्टिकल्स और आर्टिकल्स बोल्ट यहां पर पांचवें स्थान पर रहे हैं इनके uh, ऊपर 574 सेवेंटी चौथे स्थान पर 574 सेवेंटी आर्टिकल्स के साथ ठीक है पांचवें स्थान पर ही ना ठीक है सो यहां पर आपका नीरज चोपड़ा याद रख लेना नाम कितने आर्टिकल्स इनके नाम से याद रख लेना नंबर ऑफ आर्टिकल्स याद रख लेना ठीक है तो ये डाटा दिया है यूनिसेप्टा नाम की कंपनी के द्वारा नीरज चोपड़ा बिकम द मोस्ट रिटर्न अबाउट एथलीट इन 2022 ओके okay, नीरज चोपड़ा के बारे में लिखा हुआ है कि क्या क्या उन्होंने जीता था याद रख लेना रिवीजन हो जाएगी आपकी वैसे तो हमने कर रखा है ऑलरेडी इस चीज़ को लेकिन स्टिल चलो याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि टोक्यो में क्या किया उसके बाद अभी अभी हाल ही में उन्होंने लेटेस्ट कौन कौन से इवेंट जीते हैं कौन सा रिकॉर्ड उनके नाम से ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है बुक का यह है लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन असर्टेन टाइम्स बाय द मिशेल ओबामा मिशेल ओबामा बराक ओबामा की धर्म पत्नी बराक ओबामा यूएस के पूर्व प्रेसिडेंट रह चुके हैं यहाँ पर आपके और लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन असर्टेन टाइम्स नॉन फिक्शन बुक रिटर्न बाय द मिशेल ओबामा के द्वारा ये बुक लिखी गई है हाल ही में राइट right. इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे 18 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है माइग्रेंट्स जो लोग एक जगह से दूसरी जगह में मूव कर जाते हैं अपर देश में दूसरे देश में चले जाते हैं कमाई को अर्निंग करने के लिए तो ये डे उन्हीं के लिए ऑब्जर्व किया जाता है आपका नेशनल माइनॉरिटी डेज 18 दिसंबर को माइनॉरिटी कम्युनिटीज होती हैं यहाँ पर हमारे देश में भी हैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992 के तहत यहाँ पर इंडिया में मुस्लिम सिख बुद्धिस्ट क्रिश्चियंस एंड जोरास्ट्रियंस को यहाँ पर माइनॉरिटीज़ घोषित किया गया था क्योंकि इनकी संख्या जो थी काफ़ी कम थी और लेटर दो हज़ार में जैन समुदाय को भी यहाँ पर माइनॉरिटी की लिस्ट में शामिल कर लिया गया था

जरूर ज्वाइन कीजिएगा और ध्यान रखिए अन एकेडमी पे प्री क्रिसमस ऑफर आ चुका है क्रिसमस अभी आई नहीं है लेकिन ऑफर आपको दिया जा रहा है और ये ऑफर है संबंधित टू रिलेटेड टू तो ट्वेंटी परसेंट ऑफ ऑन एनअमी सब्सक्रिप्शन अगर आप अनकेडमी सब्सक्रिप्शन लेने सोच रहे हैं तो ये टाइम आपके लिए परफेक्ट टाइम है उन्नीस से तेईस दिसंबर के बीच का टाइम जब आप अनकेडमी के जो प्राइस हैं वो यहाँ पर आप इस पे आप अन अकेडमी ले सकते हैं 6600 रुपीस में आपको वन मंथ वन ईयर का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है जो कि अमूमन आपको इस प्राइस पर मिलता है अब यहां पर आपको इस प्राइस पर मिल रहा है 1649 यानी तकरीबन 1650 रुपए आप बचा सकते हैं आप कोड इस्तेमाल कर सकते हैं SBI 10 जिस कोड को इस्तेमाल करके आपको यहां पर 10 परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा एस कोड है आपका ठीक है उस कोड को इस्तेमाल करके इस प्राइस पे आप यहाँ पर इस प्राइस पे आप आपकेडमी सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हैं डेट याद रखिएगा 19 से 23 दिसंबर के बीच में यानी तेईस दिसंबर आज 20 हो चुकी है तो आपके पास तीन दिन शेष है जाइए एनअकेडमी सब्सक्रिप्शन लीजिए और इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स के साथ फैकल्टीज के साथ अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन कीजिए आपको बिल्कुल एक सिस्टमेटिक वे में सारी की सारी तैयारी मिल जाती है मेरी वहां पर एक बजे क्लास चल रही है बैंकिंग अवेयरनेस की आज भी क्लास है एक बजे मुलाकात करेंगे प्लस कोर्स में एन अकेडमी के प्लस कोर्स में अभी बैच स्टार्ट ही हुआ है चार ही क्लासेस उसकी हुई हैं तो आज उसकी पांचवीं क्लास है और आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और ध्यान रखिएगा अभी इस क्लास के तुरंत बाद एक और मेरी क्लास है बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास है तो उसमें आना मत भूलिएगा जिसमें हम 20 दिसंबर के बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस की न्यूज़ को करेंगे यानी कि अगर आप बैंक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मेरी इस करंट अवेयर्स की क्लास के अलावा ये क्लास भी देखनी है अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अगर आप किसी और सेगमेंट की तैयारी कर रहे हैं बैंक एग्जाम के अलावा एस वगैरह या कोई भी और तो फिर आपके लिए ये वाला जो अभी जो हमने क्लास की ये सफिशियंट है अगर बैंक एग्जाम की कर करें तो साथ में इस क्लास को भी आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है ठीक है तो आ जाइए तुरंत फटाफट से दूसरी क्लास में मैंने लिंक आपको टेलीग्राम पे दे दिया है वहाँ पर तुरंत स्टार्ट करते हैं विद इन वन मिनट इस क्लास को टेक केयर थैंक यू सो मच बताइएगा ज़रूर क्लास कैसी लगी लाइक करना मत भूलिएगा